प्रिया कैसेट प्रेजेंट। धर्मेंद्र दिग्गज, राज कथावाचक बजरंग दल हिंदुस्तान की ओर से हमारे पास तमाम फोन आते हैं कि दिग्गज जी आपने सब कुछ गा दिया, बहुत कुछ गा दिया है, लेकिन हम ड्राइवर लोग आपकी कष्टें अपनी गाड़ियों में बजाते हैं, हमारे बारे में आपने कुछ नहीं सोचा। चाहते हैं कि आप हम ड्राइवर भाइयों के बारे में कुछ निकालें, क्योंकि हम लोग भी दिना रात इधर का माल उधर, उधर का माल उधर पहुंचाते हैं, त्योहार पर घर पर भी नहीं पहुंच पाते हैं और खतरे की जिंदगी हम एक रोड पर बिताते हैं। विचार आया छत्रपाल भैया, तो मैंने ये गीत लिख डाला। क्या लिखा है ड्राइवर भाइयों के सम्मान में, एक गीत मैंने सुना था, ट्रक बारे ने हंस के पटाई ली, मैं खोकट में बंबई दिखाई दी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ड्राइवर भाइयों के लिए सम्मान है। ड्राइवर की जिंदगी में लाखों इल्जाम होते हैं, निगाहें साफ होती हैं, फिर भी बदनाम होते हैं। राकेश भैया, ड्राइवर की जिंदगी में लाखों इल्जाम होते हैं, निगाहें साफ होती फिर भी बदनाम होते हैं। अमीरों की जिंदगी है बिस्कुट और केक पर, ड्राइवरों की जिंदगी स्टेरिंग और ब्रेक पर। वो अपने गाड़ी में बैठे बैठे ही सो लेते हैं, जिंदगी की कोई परवाह नहीं। होली आई, दीपावली आई, सावन का महीना आया, करवा चौथ आई, ड्राइवर की घरवाली फोन कर करके बेचारी रह गई, लेकिन ड्राइवर त्योहार पे समय पे नहीं आ पाया। जैसे फौजियों भाइयों को छुट्टी नहीं मिलती, वही जिंदगी ड्राइवरों की है। तो वो ड्राइवर की घरवाली ड्राइवर के लिए क्या कह रही है, राकेश भैया? होली आई, दिवाली आई और सावन का इंतजार आया, साजन का इंतजार आया। इंतजार तो आया, लेकिन समय से सब त्योहार आए हैं, समय से सब त्योहार आए हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं आए, समय समय पर सब त्योहार आए, त्योहार पर इंतजार आया, लेकिन तुम क्यों नहीं आए।
अधीन आए और अरमानों में तुझको पूजो बातों से बहलाए। अब तो आजा साजना तेरे बिना में लाचार। होय 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 होली आई दिवाली आई साजन काय विचार आया। समय से सब क्यों हर आए हैं समय से सब क्यों हर आए हैं लेकिन तुम के लिए बहुत पावन व्रत होता है और करवा चौथ के दिन पति होना चाहिए। और वो पत्नी कह रही है मैंने टेलीफोन किया तो मैंने कह दिया लेकिन नहीं आए, ये नौकरी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और आगे क्या है मेरे छत्रपाल भैया, फौजी से कम नहीं होती। ओ मेरे भोले भाई पर तेरा क्या कहना, निज देश छोड़ पर देश रहना। जैसे हमारे फौजी भाई अपना घर परिवार छोड़ करके सीमा पर हैं और उसी प्रकार से हमारे ड्राइवर भाई हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का पायलट हो, चाहे ट्रेन का पायलट हो, चाहे छोटे से छोटे वाहन का पायलट हो, पायलट किसी फौजी से कम नहीं है। हमारा फौजी बारूद के ढेर पर खेलता है और हमारा ड्राइवर काल के गाल में खेलता है। अरे बीबी बच्चों को ये छोड़ के मंदिर तक पहुंचाए, अरे बीबी बच्चों को ये छोड़ के मंदिर तक पहुंचाए। और कोई भी ड्राइवर फौजी से कम की ना कहलाए, जो अपने बीवी बच्चों को भी प्यार नहीं दे पाते। दिन रात सफर तय करनी है, अरे दिन रात सफर तय करनी है, करनी ये अपनी करनी है। आज यहां और कल वहां, ये कभी पूरब में कभी पश्चिम में कभी उत्तर में तो कभी दक्षिण में, ये उनका कर्म है। और अपने बच्चों को छोड़ करके हमारे कंपनियों की सेवा कर रहे हैं, हमारी सवारियों को यहां से वहां पहुंचा रहे हैं।
इनका जीवन बड़ा ही पावन होता है, लेकिन फिर भी ड्राइवरों को बदनाम किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये अपील करूंगा अपनी सरकार से भी, ड्राइवरों के बारे में कुछ ना कुछ सोचा जरूर जाए। अरे ड्राइवर की मारपीट क्यों कर देते हैं लोग, अरे ड्राइवर की मारपीट क्यों कर देते हैं लोग, ड्राइवर और जनता का देखा बहुत बुरा संयोग, अरे ड्राइवर जनता का देखा बहुत बुरा संयोग। ड्राइवर और जनता का ये संयोग बहुत खराब होता है। अब तो आजा साजना, अब तो आजा साजना, करूं तेरा इंतजार हो। अरे होली आई दिवाली आई और साजन का इंतजार आया, छत्रपाल भैया। हो ड्राइवर ये गगन में पहुंच जाए, ड्राइवर ही गगन में पहुंच जाए, जिस समय लड़ाकू विमान हमारे फौज में जाते हैं तो वहां भी ड्राइवर साथ में है। अरे ड्राइवर ही गगन में पहुंच जाए, चलाता है और लड़ाकू विमान जैसे अभिनंदन पाकिस्तान में पहुंचे वहां भी ड्राइवर साथ दे रहा है, और बिना ड्राइवर के जग में कोई